बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में आता है, दैट इज़ लेटर राइटिंग, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है। स्पेशली हम इस सेक्शन में और इस वीडियो में विल टॉक अबाउट लेटर टू द एडिटर। ठीक है, लेटर टू द एडिटर होता क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग दैट लेटर, हैव यू एवर रेड एनी लेटर टू द एडिटर इन द न्यूज़पेपर, आपने कभी पढ़ा है कोई, डू शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन। और इसमें जो है किस तरह से लिखा जाता है, उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों को जहन में रखना है, विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट। अच्छा जी, यहाँ पर हम बताते हैं लेटर टू द एडिटर, लेटर्स टू द एडिटर ऑफ डिफरेंट डेली न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स आर रिटन बाई द पब्लिक, विच इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ सिटीजन्स, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन एट्सेट्रा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ पे है जो न्यूज़पेपर में जो लेटर छापे जाते हैं या आप भेजते हैं या पब्लिश होते हैं, वो हर किस्म का सिटीज़न भेज सकता है। ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं या सीनियर सिटीज़न हैं, कुछ कोई भी हो, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एनी वन कैन राइट लेटर टू द एडिटर। एडिटर कौन सा होता है, जो न्यूज़पेपर में होते हैं एडिटर, उनको आप लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, क्यों ये लेटर लिखे जाते हैं एडिटर को। फर्स्ट थिंग इज़ टू ड्रॉ अटेंशन, तवज्जो हासिल करने के लिए, यानी कोई मसला है तो उसकी तरफ जो है अटेंशन दिलाने के लिए जो है वो लिखा जाता है ये ख़त। और टू थ्रो लाइट ऑन प्रॉब्लम्स विच मे बी सिविक, एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। मसला किसी किस्म का हो सकता है, सिविक भी हो सकता है, ठीक है, आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, जैसे आजकल बहुत सारे इशू हैं, जैसे टैक्स की बात हो सकती है, जैसे जो प्राइस हाइक है उसकी बात हो सकती है, पॉलिटिकल अपहीवल की बात, यू कैन टॉक अबाउट एनी टॉपिक, राइट। फिर उसके बाद बी जो है वो है टू अपील टू सम अथॉरिटी। हो सकता है कि आपके पास जो रोड है वो बहुत टूटी हुई है, सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं है, आपके कोई भी जो आप सोशल ईवल या कोई मसला मसाइल अपने इलाके का जो है उसकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं अथॉरिटी को, कि कोई अथॉरिटी जो है, पर्टिकुलर अथॉरिटी जो है वो आके इसको ठीक करने की कोशिश करे। ठीक है, टू गिव सजेशंस और ऑफर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, कोई मसला है तो उसके बारे में आप अपनी सजेशन दें, ठीक है, राय देंगे, ताकि जो है हो सकता है वो प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन निकल आए। ठीक है, टू गिव रिप्लाइज टू प्रीवियस लेटर्स प्रिंटेड इन द पेपर। हो सकता है कोई पहले से पेपर में किसी ने लेटर लिखा हो और आपको लगता हो कि ये मसले पे इसने गलत पॉइंट किया है, या इसको आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, एंड यू वांट टू गिव सजेशन, तो आप जो है वो उसके रिप्लाई में लिख सकते हैं लेटर। ठीक है, कि इसने इस दिन में ये लेटर लिखा था और उसके नतीजे में ये हम बात कर सकते हैं। टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय कायम करने के लिए। अब यहाँ पे जो है एज़ पार्ट ऑफ द अवेयरनेस बिल्डिंग प्रोसेस, जैसे अब मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसके इफ़ेक्ट जो हैं हम बात कर सकते हैं। सो अवेयरनेस के लिए, कि लोगों को अवेयर किया जाए कि दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द मेंटल हेल्थ। और फिर पे ट्रिब्यूट, किसी को अपने ट्रिब्यूट पेश करना है, खराज तहसीन पेश करना है टू एन आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ करेज, सर्विस, कॉन्ट्रीब्यूशन, किसी का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे अभी जो है उमर शरीफ साहब की डेथ हुई है, तो दे टॉक अबाउट हिम एंड दे कैन राइट अबाउट हिम। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स टू द एडिटर। फर्स्ट, टू ड्रॉ अटेंशन, तवज्जो दिलाने के लिए, टू अपील टू सम अथॉरिटी, या बड़ी किसी अथॉरिटी को अपील करना हो, आपकी अप्रोच नहीं हो रही, आप बार बार जा रहे हैं, ये कोई भी महकमा हो सकता है, ठीक है, चाहे वो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे जो है सीवरेज का हो, चाहे कोई भी महकमा हो, उसको आप अपील कर सकते हैं। इसी तरह आप जवाब दे सकते हैं, आप पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं, और साथ में पे, यू कैन पे ट्रिब्यूट, खराज तहसीन कहते हैं ट्रिब्यूट को। ठीक है, ये हो गया। नाउ सॉरी,
अब ये देखिए, मैंने कुछ सैंपल्स जो हैं उनकी पिक्चर ली है ताकि जो है आप देख सकें कि ये कैसे होते हैं लेटर टू द एडिटर। इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस कि आपको आपने देखा नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, आपको मौका नहीं मिला, तो ये देखें जी, ये December 27, 1993 में द न्यूज़पेपर नेशन, उसमें ये पब्लिश हुआ है। और दिस लेटर इज़ अबाउट बैड हैबिट्स, और बैड हैबिट्स में किसकी बात हो रही है, स्मोकिंग की बात हो रही है, ठीक है, कि स्मोकिंग के बारे में इसके हार्मफुल इफेक्ट्स और ऑल दीज थिंग्स द राइटर हैज़ ट्राई टू हाईलाइट, ठीक है, ये है एक। फिर एक और लेटर है द कॉस्ट ऑफ लिविंग, अभी मैंने बात की महंगाई की, तो ये देखें यहाँ पे उसने डिफरेंट तरीके से बताया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करता है। देखें, ये देखें कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू रिवाइज इट्स पॉलिसीज रिगार्डिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स। द गवर्नमेंट इज़ श्योरली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन नॉट इंक्रीज देयर इनकम विज़ बिजनेस कम्यूनिटी शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है कि किस तरह वो तो जॉब ही करेंगे ना, जो बिज़नेस वाला होता है वो तो अपने मुख्तलिफ मीन्स से, मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, लेकिन जो जॉब वाले होते हैं उनकी फिक्स होती है, ठीक है। ये सारा उसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये एक और लेटर है, लेटर टू द एडिटर, ये सीनियर सिटीजन्स ने लिखा है, ठीक है, ये भी प्रिंट हुआ है, ये कौन से न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ है, पाकिस्तान टाइम्स में, ठीक है। सीनियर सिटीज़न के पेंशन से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट का इशू होता है सीनियर सिटीज़न के लिए, बहुत मुश्किल है स्टॉप पे वेट करना बस का, और फिर उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर सीटिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए उनके लिए सीट्स रिज़र्व होनी चाहिए, इस तरह के और इश्यूज़ भी हैं जो कि हाईलाइट किए हुए हैं। फिर एक और है, सॉरी, नेक्स्ट है जी, पेंशनर्स वोस, पेंशनर्स की जो वही मसाइल, उनका दुख, ठीक है। देन सेव द श्राइन्स, श्राइन्स किसे कहते हैं बताइए अपने कमेंट सेक्शंस में, क्या होते हैं श्राइन, मज़ारात को कहते हैं, लेकिन मैंने बता दिया, लेकिन आप भी इसको देखें। अब जी ये जी एक सॉरी, ये तो रोटेट करना चाहिए मुझे, एडिट करते हैं और इसको रोटेट करते हैं ताकि आप भी इसको देख सकें, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा आप ये देखते हैं, लेटर टू द एडिटर में आपने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ऊपर उसने जो है लिखा है, एक सैम्पल हम लेटर ले रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लेटर जब लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। पहले तो है हाईलाइटिंग का प्रॉब्लम, पहले वाले पैराग्राफ में आपने हाईलाइट करना है कि प्रॉब्लम है क्या, फिर आपने उसके बारे में सजेशंस देनी है, ठीक है। सजेशंस जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप सजेस्ट भी करें कि इस मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे आर गवर्नमेंट इज़ बिसेट विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन द पास्ट इन इफेक्टिव मेजर्स वर टेकन टू कोप विद द सॉरोफुल सिचुएशन, द न्यू गवर्नमेंट हैज़ प्रोमिस्ड टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो कहते हैं पहले से मसले का सामना है, बहुत सारे जो है इतने जो है इफ़ेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए, यानी होता है ना कि आप पहले से प्लान करते हैं जॉब्स और फिर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसलिए जो है इस गवर्नमेंट ने भी जो है वो किया, प्रॉमिस किया टू एलिमिनेट के ख़त्म करेंगे बेरोज़गारी को, फिर हुआ क्या, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू क्रिएट न्यू जॉब्स, गवर्नमेंट के लिए नई जॉब्स क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। द रिटायरमेंट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स विल इम्प्रूव द चांसेस ऑफ प्रमोशन फॉर जूनियर्स एंड इट विल इन टर्न रिमूव द फ्रस्ट्रेशन एंड करप्शन प्रिवेलिंग इन दीज दोज सर्कल्स। अब वो कहते हैं कि अगर प्रमोशन दी जाए तो नीचे वाले जो हैं ऊपर प्रमोट होंगे और यहाँ पे वैकेंसी पोजीशन क्रिएट होगी और फ्रस्ट्रेशन से लोग बचेंगे। फिर वो क्या कहते हैं, सजेशन उसने क्या दिए, गिविंग सजेशंस, वो क्या है, द गवर्नमेंट मस्ट गिव टॉप प्रायोरिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम,
In our country, there is an unholy tradition of getting extension service period to reap maximum advantage. Public servants should serve others and not their own selves. But the government must ensure impartiality and merit policy in recruitment. अब उसने कहा कि रिक्रूटमेंट में भी मेरिट पॉलिसी को फॉलो किया जाए और इस मसले को हल करने के लिए जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। अच्छा जी, अब आपने ये एक सैंपल हमने देखा, ठीक है, एक सैंपल देखा कि किस तरह पहले प्रॉब्लम को बताया गया है, फिर उसके बाद वजह क्या है और फिर उसके बाद सजेशन बताई गई। अब आपने लिखना कैसे है लेटर टू द एडिटर में जो है, ये अबव हमने देखा था एक मॉडल लेटर, उसमें क्या है, इट मस्ट हैव अ हेडिंग सेइंग अ लेटर टू द एडिटर, सबसे ऊपर लिखा हुआ लेटर टू द एडिटर होना चाहिए। यहाँ पे है जी लेटर टू द एडिटर नंबर वन, ठीक है, लेटर टू द एडिटर आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है। एड्रेस आप इम्तिहान में नहीं लिखते हैं, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, और नीचे डेट लिखेंगे। डेट देखें कैसे लिखी हुई है, 3 सितंबर या 3rd September 1992, इस तरह से आप डेट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर वन लेटर टू द एडिटर, नंबर टू आपने एड्रेस लिखना है, क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, ठीक है, और लाहौर या एनी सिटी। फिर उसके बाद आपने नीचे डेट लिखनी है, डेट जो भी होगी वो आपने डेट लिखनी है। डेट लिखने का भी फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद नंबर 5 पॉइंट क्या है, आपने सबसे पहले जिसको एड्रेस करना है, जिसके नाम लेटर लिखा जा रहा है, वो है द एडिटर, द भी लिखेंगे, ठीक है, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द एडिटर। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट आपने न्यूज़पेपर का नाम लिखना है जिसमें आपने ख़त लिखने जा रहे हैं, ठीक है, द नेशन भी हो सकता है, द डॉन भी हो सकता है, और भी कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे फिर वहाँ पे प्लेस लाहौर लिख लें, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, द मॉल और इस तरह से एरिया। फिर उसके बाद सर, आपने मुखातिब किसको करना है, सर जनाब को, अननोन बंदा है जिसको आप खिताब बुला रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखें नंबर 8 पॉइंट है, वो क्या है, द हाउसिंग कॉलोनी ऑन रावी रोड यूज्ड टू बी क्वाइट रेजिडेंशियल एरिया, बट फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स द होल इस्टेट हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड बाय मोटरसाइकिल राइडर्स हु आर यूजिंग द रोड्स एज मोटर रेसिंग ट्रैक्स। अब मसला क्या बताएं कि वहाँ का रावी रोड जो है बड़ा खामोश और क्वाइट एरिया था, रेजिडेंशियल एरिया, और वहाँ पे अब क्या हालत हो गई है कि अब लोगों ने वहाँ पे रेसिंग ट्रैक एक किस्म का बना लिया है, स्पेशली बाइकर्स ने, ये मसला है एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। फिर उसके बाद वो कहते हैं दीज कल्प्रेट्स कम आफ्टर मिडनाइट एंड डिस्पर्स ओनली व्हेन देयर दे हैव मेड अ फ्यू लैप्स अराउंड द ट्रैक, अ फ्यू रेजिडेंट्स हैव रेप्रिमेंडेड देम फॉर दिस बट इट हैज़ हैड नो इफेक्ट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आधी रात, मिडनाइट होते हैं 12 बजे के बाद, वो शुरू होते हैं, काफ़ी सारे चक्कर लगाते हैं यानी रेसिंग करते हैं, और उसके बाद जब तक वहाँ के इलाकों के लोग जो है, रेजिडेंट जो हैं, वो उनको रेप्रिमांड होते हैं, डांटना, डांट डपट करना, तो फिर वो जाते हैं, ठीक है, डांट डपट होती है एंड देन दे लीव द प्लेस, और उसकी भी उनको कोई असर नहीं होता, मीन्स दे हैव बिकम हैबिचुअल। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, It has been greatly appreciated if the traffic authorities take action immediately so that we can have some peace and quiet at night. अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसको कर रहे हैं, ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को, कि वो इसके खिलाफ एक्शन लें और ताकि जो है हम सुकून से रात को गुजार सके, ठीक है। फिर उसके बाद योर्स फेथफुली, अब यहाँ पे देखें एपोस्ट्रॉफी नहीं है, एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, ऊपर कोमा डाल के एस होता है, यहाँ पे क्या है, योर्स इकट्ठा लिखा हुआ, योर्स फेथफुली अली अहमद, लेकिन आपने पेपर में अपना नाम नहीं लिखना, XYZ लिखेंगे, ठीक है। ये किसको लिखी गई है, पुलिस अथॉरिटी को लिखी गई है, ट्रैफिक अथॉरिटी को लिखी गई है, एक ख़ास मसले को, एक ख़ास इलाके के इशू को जो है हाईलाइट किया गया, ठीक है, ये एक सैंपल है। अब इसमें हम देखते हैं, हमने ये जो लिखा इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अ लेटर टू द एडिटर, हेडिंग देनी है। फिर उसके बाद अ लेटर मस्ट गिव नेम एंड फुल एड्रेस, वहाँ पे आपका नाम और पता ज़रूर होना चाहिए जब आप
वैसे रेगुलर लेटर लिखते हैं, जब आप अखबार में लिखेंगे तो अपना एड्रेस भी लिखेंगे, लेकिन चूंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो यहाँ पे हम अपने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती, दैट्स वाई आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं, सिटी ABC और नीचे डेट लिखते हैं। और फिर उसके बाद जो है, द लेटर मस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट होना चाहिए लेटर, लेटर में इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए कि ढूंढते रहें कि मसला क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड गो टू द पॉइंट इमीडिएटली एंड नॉट बी टू लॉन्ग। बहुत दो चार पैराग्राफ लिखने के बाद आप तीसरे पैराग्राफ में आके बता रहे हैं कि मसला क्या, इस तरह नहीं, पहले पैराग्राफ में ही आपको पता चल जाना चाहिए व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। देयर इज़ नो इंडेंटेशन, दैट इज़ नो स्पेस अवे फ्रॉम मार्जिन, ये रिटन में होता है, ठीक है, टाइप राइटिंग में होता है, आप जब टाइप करते हैं तो फिर उसमें होता है, ये मैं आपको समझा चलें क्लास में बताऊंगी। नो पंक्चुएशन इन एड्रेसेस सैल्यूटेशन क्लोजिंग, कहीं पे भी आपको जो है वो पंक्चुएशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप लगा देंगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मोर स्पेस बिटवीन एड्रेस एंड डेट नेम एंड न्यूज़पेपर, गैप देना है आपने, ठीक है, आपने स्पेस देनी है, स्पेस यानी आपने लिखना है तो देखें ये स्पेस है, हर चीज़ में स्पेस है, ये नहीं कि एक ही लाइन पे सारा कुछ लिखती है, लाइन वाइज लिखी गई हैं चीज़ें। फिर उसके बाद जो है, फर्स्ट पैराग्राफ स्टेट द प्रॉब्लम, पहले पैराग्राफ में ही आपने मसले को बताना है, फिर उसके बाद सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ में आप मेन बॉडी में जो आपने रीजंस बतानी है, कॉज एंड इफ़ेक्ट बताने हैं, फिर उसके बाद आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने सजेशंस देनी है फॉर इम्प्रूवमेंट अगर पॉसिबल है तो, फिर उसके बाद आपने जब योर्स फेथफुली ये लिखें, देखें योर्स फेथफुली लिखा है तो इसमें नो एपोस्ट्रॉफी यानी कोमा डाल के एस नहीं लिखा हुआ, उसको हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर जी ये एक और है, ये भी एक सैम्पल लेटर है, लेटर टू द एडिटर है, ये देखें ज़रा, सॉरी अब लेट मी रोटेट इट, यस दिस इज़ द लेटर, ओके फाइन, यहाँ पे आप देखते हैं, ये देखें जी लेटर, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ, डेट लिखी है, द एडिटर द नेशन लाहौर डेयर सर, फिर सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट होता है कि आप बताते हैं कि आप लिखने किसके बारे में जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नीचे लेटर में उसने शुरू कर दिया, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ आर ब्लॉक मॉडल टाउन, थ्रू योर पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ टू अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन आर एरिया, नेमली द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। अब ये तो यूनिवर्सल मसला बन गया ना लाहौर का भी, कि गार्बेज का डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे और ये सारा मसला है, सो वो बताते हैं मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, हम मैं एक तवज्जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की ड्रॉ करना चाहता हूँ, किस तरफ, गार्बेज डिस्पोजल की तरफ, ठीक है, जो कि एक मसला है। इन द पास्ट ईयर द येलो गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स हैव ग्रेजुअली बिकम नॉन एग्जिस्टेंट, एज अ रिजल्ट द पीपल आर डिस्पोजिंग ऑफ देयर हाउस होल्ड वेस्ट इन वेकेंट प्लॉट्स एंड ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स और इन फ्रंट ऑफ अदर हाउसेज, दिस इज़ लीडिंग टू हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, ठीक है। ये वो बता रहे हैं कि पहले तो येलो कलर के आते थे ट्रक, वो लेके जाते थे, अब वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गए, मतलब अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो खाली प्लॉट हैं या कॉर्नर हैं वहाँ पे उन्होंने जो गार्बेज है वो फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे लिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद जो है, गार्बेज मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिफ्यूज विच प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज विच आर कैरियर्स ऑफ कॉलरा। अब वो कहते हैं कि जिस तरह गार्बेज ज़्यादातर किचन का ही होता है ना, जो डेल बहुत ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, उस पर फ्लाइज मक्खियाँ आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, वैसे भी कचरे पर आ जाती हैं। फिर वो कहते हैं और ये किसका, कौन सी बीमारी का वाइस बन रहा है, कॉलरा किसे कहते हैं, हैजे को। द अदर मोस्ट अबंडेंट प्रोडक्ट इज़ नोन
biodegradable plastic. This is not easily destroyed and tends to produce harmful CFCs, hazards to the ozone layer. और दूसरी चीज़ क्या है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, शॉपर हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, फिर उसके बाद और प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है जो कि डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है. क्या होगा अगर आप उसे जलाएंगे तो क्या होगा, एक ब्लैक सा स्मोक उसमें से निकलता है और वो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट. सम डेंजरस प्रोडक्ट्स यूज्ड इन द हाउसेस लाइक ब्लेड्स, ओल्ड नाइव्स, ग्लास मतलब मुख्तलिफ गार्बेज में भी हर तरह की चीज़ लोग फेंक देते हैं ना, शीशा भी फेंक देते हैं, ब्लेड भी फेंक देंगे और इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत अनहाइजेनिक और स्मेली और एट द सेम टाइम वेरी डेंजरस भी होती हैं. नीचे आखिरी पैराग्राफ हम देखते हैं, वुड द अथॉरिटीज़ कंसर्न काइंडली डायरेक्ट द मोबाइल ट्रक्स ऑन द सैनिटरी स्टाफ ऑफ द सैनिटरी स्टाफ टू मेक अ डेली कलेक्शन ऑफ गार्बेज. Covered garbage cans should also be installed and must be cleaned weekly. दो सजेशन उसने कहा, एक तो आप मोबाइल ट्रक्स भेजें, सैनिटरी स्टाफ को भेजें और डेली बेसिस पे उसको कलेक्ट करें जो भी गार्बेज, और गार्बेज के लिए भी जो है वो प्रॉपर जो है वो इंस्टॉल किए जाएं वहाँ पे कंटेनर टाइप, ठीक है, और उसमें जो है वो डेली बेसिस पे उसे क्लीन भी किया जाए, ठीक है. आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द रेजिडेंट टू बी कोऑपरेट एंड कंसिडरेट बाय नॉट थ्रोइंग गार्बेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स हाउसेज और ऑन स्ट्रीट्स. और दूसरों को भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरों के घरों के आगे कचरा मत फेंकें. मोस्ट ऑफ आर गार्बेज इज रिसाइकलेबल, यानी रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे केले के छिलकियाँ बड़ी अच्छी खाद बन सकती है. आई एम श्योर If each one of us makes an effort, we can have a clean and healthy environment. अगर हम सब मिल के कोशिश करें तो हम एक बहुत हेल्दी और क्लीन इन्वायरमेंट बना सकते हैं. Yours faithfully, और नीचे नाम है लेकिन आपने पेपर में नाम नहीं लिखना है, ठीक है. This is the end. Hopefully आपको समझ आ गया होगा. If you have any problem, we'll discuss that in your classroom. Thank you very much. Have a good day. Allah Hafiz.